बिदर के नए बस स्टैंड के सामने एमआई सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसमें जनता दल सेक्युलर के नेता मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से बात करते हुए मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल ने सर्विस सेंटर के बारे में विवरण किया। साथ ही केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयास खान की सराहना की और केपी न्यूज की तरक्की के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की। इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान का एमआई सर्विस सेंटर की ओर से सम्मान किया गया। एमआई सर्विस सेंटर के प्रोपरेटर मोहम्मद मजहर ने भी केपी न्यूज से बात की। संतोष कुमार का कवरेज। एमआई सर्विस सेंटर ऑथराइज के आज जो शोरूम ओपन हो गया है, इसको मुबारकबाद देते हुए, और इससे पहले भी आपका एक शॉप था, एक छोटे पैमाने में था, अल्लाह के फजल से उन लोगों मेहनत करके मार्केट में अच्छा नेम करके अच्छा सर्विस कस्टमर को देने के बाद कंपनी खुद इनको डीलरशिप देके आज एक अच्छे बड़े पैमाने में आने में आप इन्हें एक कामयाब हुए, और अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं इंशाल्लाह और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्हों तरक्की करे। अच्छे ऐसे क्या है बोले तो और भी एक दो सर्विस सेंटर खोल के आप काम करें। अयास खान साहब एक सोशल वर्क आदमी हैं, एक अच्छा उनका एक रूल है, यहाँ से लेके स्टेट तक उनकी पहचान है, एक अच्छा ये कर रहे हैं और उन्होंने खिदमत भी कर रहे हैं। क्या बोले तो आज कई स्टूडेंट्स उनके कॉलेज में डिग्री ग्रेजुएट करके बाहर निकल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, दूसरे दूसरे और सेक्शन हैं। इसमें जो है आज एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, एजुकेशन से आदमी ऑटोमेटिक एक लेवल में आता। दूसरी चीज़ क्या भी है, अगर हम भाई बिरादर में अगर कोई दौलत है तो एक दूसरे को तकसीम कर लेने के लिए हम आवाज कर सकते हैं, मगर जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास टेक्नीशियन है, उसको कोई भी खरीद नहीं सकता। और वो इंडिया में होंगे, वर्ल्ड में होंगे, उन्हें जब वो हासिल किया है, उन्हें मरे तक वो चीज़ उसके साथ रहती है। ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ उन्होंने आज लोगों में, आज आने वाले नए जनरेशन में जो ये कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और भी अब चैनल आपका बढ़ेंगे और चैनल से बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होंगे, मालूम होंगे। ये चीज़ ऐसी चीज़ है, हम जाके ढूंढे तो मिलने वाली चीज़ नहीं है, वो जो नहीं मिलने वाली चीज़ को आप पब्लिक तक पहुंचा देते हैं, पब्लिक तक मालूम करते हैं। आज सेकंड सेकंड में दिल्ली में क्या चल रहा, इंडिया में क्या चल रहा, वर्ल्ड में क्या चल रहा, आज बिजनेस क्या बोल रहा, ये वायरस वगैरह क्या बोल रहा है, कोई सी चीज़ क्या है, कोई सी भी चीज़ का क्या है बोले तो आज लोगों तक पहुंचाने का काम जो आप लोग करते हैं, और आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और तुम्हारा मुबारकबाद भी देते हैं, और आपके हेड जो अयास खान साहब है उनको भी क्या है बोले तो हमारे तरफ से मुबारकबाद देते हैं। और चैनल ये बिदर के लिए नहीं, और नेशनल लेवल तक भी जाने बोल के हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। एमआई सर्विस सेंटर इन बिदर हाईटेक मोबाइल बोल के न्यू बस स्टैंड सेकेंड गेट के अपोजिट ओपन हो चुका है शोरूम। अभी क्या है, एमआई में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स रहे तो यहाँ पे आके आप रिपेयर कर ले सकते हैं। पहले क्या है, आमंत्रण होटल में, होटल के बाजू में था, अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है।